और इस दौर में एक माँ ने अपने बच्चे के कंफर्ट और पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए एंटरप्रेन्योर बनने का रास्ता चुना, वो भी ट्रेडिशनल तरीके को मॉडर्न टच देकर। मैं बात कर रही हूँ मुंबई की पल्लवी उतागी की, जो डायपर्स के प्रदूषण को रोकने के लिए लाई है डिजाइनर अंदाज में क्लॉथ नैपीज। जानते हैं एक डिस्पोजेबल डायपर को इस धरती से नष्ट होने में कितना समय लगता है? 500 साल। ये समय इतना ज्यादा है कि डायपर से बढ़ते प्रदूषण का अंदाजा लगाया जा सकता है। अब नजर डालते हैं भारत में इस्तेमाल होने वाले डायपर्स के आंकड़ों पर। यहाँ हर साल 3 करोड़ बच्चे पैदा होते हैं, जिसमें से 50 से 60 लाख डायपर इस्तेमाल करते हैं। अगर एक बच्चे के लिए दिन में 5 डायपर यूज हो रहे हैं, तो वो अपने डायपर इस्तेमाल करने के कुल 2 से 2.5 सालों में तकरीबन 4,500 डायपर इस्तेमाल करता है। यानी 60 लाख बच्चों ने इस्तेमाल किए 27 अरब डायपर्स लैंडफिल में जमा होते जा रहे हैं। डायपर्स का ये सच चकरा देने वाला है। जहाँ एक तरफ प्रदूषण बढ़ रहा है, डिस्पोजेबल डायपर्स बच्चों के लिए सेफ भी नहीं होते। अपने नवजात बच्चे को डायपर रैश से रोते बिलकते देखकर मुंबई की पल्लवी उद्गी ने ट्रेडिशनल क्लॉथ नैपी इस्तेमाल करना शुरू किया और इससे पल्लवी को एक बिजनेस आइडिया दिखा। पल्लवी ने इको फ्रेंडली रीयूजेबल क्लॉथ डायपर ब्रांड सुपर बॉटम बनाया, जो क्लॉथ डायपर ड्राई रखने की गारंटी देता है। खासी रिसर्च के बाद पल्लवी ने इस प्रोडक्ट को बाजार में उतारा। 5 साल पहले जब इस पे काम मैंने शुरू किया, तो तब मैंने देखा कि इसमें काफ़ी सारे कई तरह के फैब्रिक्स इस्तेमाल हो सकते हैं। हर कोई जो फैब्रिक होता है, हर कोई कपड़ा थोड़ा एब्जॉर्ब तो कर ही लेता है, पर हमें ऐसा कपड़ा चाहिए था जो स्किन के लिए अच्छा हो और जो बहुत सारा एब्जॉर्ब कर पाए। तो हमने काफ़ी सारे 60-70 अलग अलग प्रकार के फैब्रिक हमने ट्राई किए। हमने 200 सैंपल ऑलमोस्ट बना के, हमारा बच्चा तब डायपर्स पहनता था तो उस पर ट्राई किए। उसको हर रोज़ नया डायपर हम लोग पहनाते थे, उसका स्टडी करते थे कि कैसा फिट हुआ, कितनी देर चला। उस तरह से हमने काफ़ी सारा रिसर्च किया। एक टेक्सटाइल इंजीनियर जो थे हमारे पहचान के, उन्होंने भी हमें काफ़ी सपोर्ट किया, काफ़ी नॉलेज दिया फैब्रिक्स के बारे में। उस तरह से हमने इतने सारे फैब्रिक्स ट्राई किए, कुछ इंडिया में से, कुछ इंपोर्ट करके, फिर सैंपल्स बनाए डायपर्स के ट्राई किए। और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि ये जो फैब्रिक है ऑर्गेनिक कॉटन है, जिसके ऊपर माइक्रोफीस है, ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन चल रहा है। एंड उस तरह से हमने फिर सुपर बॉटम्स बनाए। सुपर डायपर भले ही क्लॉथ डायपर हो, लेकिन दिखने में ये काफी आकर्षक बनाया है। पल्लवी और उनकी टीम ने डायपर का लुक, साइज, मटेरियल, उसका फील, इस सब पर काफी मेहनत की। ऑर्गेनिक कॉटन से बने डायपर्स बच्चों की त्वचा के लिए भी सुरक्षित है। इसे बनाते वक्त लंबे समय तक ड्राई रहने के लिए खास तरह से डिजाइन किया गया है। लंगोट में क्या होता है कि अगर बच्चे ने एक भी बार सूसू किया तो आपको लंगोट पूरा चेंज करना पड़ता है। पर डायपर जो है, रात भर अगर चलना है तो उसको 10-12 घंटे तक सोक करना चाहिए। और सबसे ज़रूरी है कि बच्चे को गीलापन ना महसूस हो। तो जो सुपर बॉटम्स डायपर्स है, उसमें ऊपर एक खास कपड़ा लगा हुआ है बोला जाता है, जिसको माइक्रोफ्लीस। उसकी वजह से क्या होता है, जो यूरिन होता है वो कपड़े के अंदर निकल जाता है, नीचे के लेयर्स में, नीचे के कपड़े में, जो कि ऑर्गेनिक कॉटन है उसमें वो एब्जॉर्ब हो जाता है और ऊपर वापस ड्राई हो जाता है कपड़ा। तो बच्चे का स्किन ड्राई रहता है। 10 से 12 घंटे तक भी ये डायपर आराम से चल जाते हैं। सुपर बॉटम डायपर को फंक्शनल अपैरल की तरह बनाया है। ग्राहकों के सजेशंस और फीडबैक के आधार पर कंपनी डायपर्स में बदलाव लाती रहती है। सीजन और ओकेजन के हिसाब से डायपर के नए नए प्रिंट्स और प्रोडक्ट डेवलपमेंट पर लगातार काम जारी रहता है। जैसे डायपर के साथ कंपनी ने बेबी प्रोडक्ट्स की रेंज बाजार में लाई है। पल्लवी इस सफर और बिजनेस ग्रोथ का पूरा श्रेय अपनी टीम को देती है। तो हमारी जो पूरी टीम है, वो सारे माताएं जो क्लॉथ डायपर्स या डायपर्स यूज़ करते थे, हमारे कस्टमर्स ही थे जो टीम ज्वाइन कर ले, क्योंकि उनको ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, उनको लगा ये और पेरेंट्स तक पहुंचना चाहिए। तो इसलिए वो हमारी जो पूरी टीम है वो मॉम्स टीम है। उन्हीं में से कुछ है जो डिज़ाइनर्स भी है। सो हमारे जो प्रिंट्स हैं उन्होंने ही डिज़ाइन किए हुए हैं।
सो वैसा है. और जो पूरा डिज़ाइन कॉन्सेप्ट है, हम लोग काफ़ी बार इस पर रिसर्च करते हैं, इवॉल्व होता रहता है. तो ये कुछ मेरा नॉलेज है, पर मेरी टीम का इसमें बहुत सारा वैल्यूएबल एडिशन है. सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कस्टमर्स का होता है. कस्टमर्स जब फीडबैक देते हैं, हम हर फीडबैक पे यू नो काम करते हैं, सोचते हैं और वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और उस तरह से हमारा प्रोडक्ट इवॉल्व होता रहता है. सुपरबॉटम ने रिटेलिंग की शुरुआत ऑनलाइन से की. कंपनी खुद की वेबसाइट और अमेजोन फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स मार्केट प्लेस से बिक्री करती है. कपड़े के नापे की जागरूकता बढ़ाने के लिए कंपनी ने होम मेकर्स मदर्स का नेटवर्क बनाकर सेल्स का ऑफलाइन चैनल शुरू किया है. हमारे खुद की वेबसाइट से 50-60% बिजनेस आता है, बाकी अमेजोन फ्लिपकार्ट स्नैपडील के वहाँ से आता है. और 10 हमारा एक बहुत ही इनोवेटिव सा चैनल है, जहाँ पे हम लोग मदर्स जो है, माताएं जो है, जो घर पे है, जिनको प्रोडक्ट अच्छा लगा है, वो अपने सर्कल में ज़रूर बताते हैं. तो हम लोग इन्हीं को बोलते हैं कि आप हमारे लिए अवेयरनेस जनरेट करिए, आप हमारे लिए सेल्स करिए, और उनको भी एक इनकम सोर्स ऑफ इनकम बन जाता है, और हमारे लिए कुछ अच्छे एम्बेसडर्स मिल जाते हैं हमें. तो ये जो चैनल है, ये 10% कॉन्ट्रीब्यूट करता है हमारे सेल को. और बाकी अब हम लोग एक तकरीबन 100 स्टोर्स में है इंडिया में, वहाँ से हमारा बाकी 10% सेल आता है. पहुंच दूर दराज पहुंचाने के लिए मदर्स नेटवर्क मित्र से काफी बूस्ट मिला. इससे मिल रहे रिस्पांस को देखते हुए कंपनी अपना फोकस मित्र नेटवर्क को बढ़ाने में लगा रही है. ये जो माता है, ये एक यू नो छोटी छोटी सिटीज में है, जहाँ पे हम लोग खुद से नहीं जा सकते, हमारा टीम भी छोटा है. तो हमने इनको पूछा कि क्या वहाँ पे एग्जीबिशन करेंगे, क्या वहाँ पे जाके मीटअप्स करेंगे, मदर्स को इकट्ठा करके आप लेक्चर देंगे क्या. तो दे वर वेरी हैप्पी, उनको भी कुछ करने का मौका मिल रहा था घर पे बैठ के. उनको बहुत ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत नहीं थी. तो एक उनके लिए वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी बन गया, जहाँ पे वो हमारे प्रोडक्ट के बारे में रिकमेंड करके, सेल करके कुछ इनकम जनरेट कर पाए, और हमारे लिए इंडिया के हर कोने में भी एक एम्बेसडर बन गया, जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में बता पाए. तो ये थोड़ा विन-विन सिचुएशन हो गया. और हमने ये 2-4 सिटीज़ में ट्राई किया, और उसका रिस्पांस बहुत बढ़िया रहा. एंड वो जो मदर्स थे, उनको भी बहुत अच्छा लग रहा था कि कोई एक प्रोडक्ट जो रिकमेंड करे, वो खुद अपने बच्चे पे यूज़ कर रहे हैं. तो उस तरह से हमने ये नेटवर्क बनाया. अब अभी एज ऑन डेट हमारे पास 45 मित्र है, जो ऑल इंडिया काम करते साल 30 लाख के टर्नओवर से पल्लवी का आत्मविश्वास बढ़ा दिया था. तब से अब तक सालाना 5 गुना से कारोबार में बढ़त हो रही है. आज भी हर महीने 8-9% ग्रोथ दर्ज हो रही है. कंपनी फिलहाल अपनी पूरी नजरें भारत के बाजार पर टिकाए हुए है. आने वाले 2 सालों में 25 करोड़ की कंपनी बनाकर फिर इंटरनेशनल मार्केट में कदम रखने का प्लान पल्लवी बना रही है. भारत में अब तक बच्चों के प्रोडक्ट्स के लिए कोई रेगुलेटर नहीं है, लेकिन बच्चों के मामले में पेरेंट्स कोई रिस्क लेना नहीं चाहते. इसलिए पल्लवी के अंदर एंटरप्रेन्योर बनने से पहले छुपी मां ने सुपर बॉटम्स को US की CPSIA यानी कंज्यूमर प्रोडक्ट सेफ्टी इम्प्रूवमेंट एक्ट के तहत सर्टिफाइड किया. यानी देश भर में पकड़ जमाने के बाद कंपनी का विदेश का सफर आसान और कामयाब जरूर होगा. वी विश देम ऑल द बेस्ट. कल्पिता पारकर, मुंबई.